ज्ञानदान सतगुरु तेरा सियासरा। आज हम श्याम मस्ताना जी महाराज के समय की एक साखी सारी ही सत्संग के साथ साझी करने जा रहे हैं जी। प्यारी सत्संग जी, बड़े ही ध्यान से सुनना है जी। यह साखी डेरा सच्चा सौदा, सच्चा हरिद्वार, रामपुर थेड़ी, रानिया सरसा में जब मस्ताना जी महाराज सत्संग के बाद एक दिन साईं जी दरबार से बाहर वाली साइड में आ गए, जहाँ फलों व मिठाइयों की बहुत सी रेहड़ियाँ लगी हुई थी। साईं जी जिस भी रेहड़ी के पास जाएं, उसको कह देते कि बोल भाई, सारी रेहड़ी की कितनी कीमत है। वह बता देते और उसका फल व मिठाई संगत में बांट देते। ऐसा करते करते पूज्य साईं जी गुरुवचन सिंह जी की रेहड़ी के पास पहुँच गए, जिसने रेहड़ी पर जलेबियों का बड़ा सा ढेर लगाया हुआ था। साईं जी ने फरमाया, मंगो भाई, जो कीमत मंगनी है, एक बारी च मंग ली, केड़ा बार बार तोलूगा। लेकिन वह बोला कि नहीं बाबा जी, मैं तो तोल तोल कर ही बेचूंगा। साईं जी ने फिर से फरमाया, कहाँ सारा दिन तोलता रहेगा, एक बारी च ही मंग लै, जिन्ने पैसे मंगने हैं। लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार पूज्य साईं जी के मुखार बन से वचन निकला कि चल फिर तोल ली जा सारी उम्र। बताते हैं कि वह व्यक्ति जीवन भर रेहड़ी तक ही सीमित रह गया। धन धन सतगुरु तेरा सियासरा, धन धन सतगुरु तेरा सियासरा।